देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान की बात करें तो लगातार अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण अभियान के करीब 63 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जा चुकी है। उधर अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 872 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2.7 लाख के पार पहुंच गया है। संवाददाता राजकुमार चौधरी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो भयावह करने वाले जरूर हैं। लगातार कोरोना चिंताजनक स्थिति पैदा करता जा रहा है, एक बार फिर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं वैक्सीनेशन अभियान पर अगर नजर डालें तो वैक्सीनेशन अभियान भी लगातार युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लगातार लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। राजकुमार, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भी बचाव के संसाधन है वो सारे चल रहे हैं। और अगर बात की जाए पूरे में, अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करें, एनसीआर की केवल बात करें, तो एनसीआर में जागरूकता अभियान को एक बार फिर दोबारा से सक्रिय कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति भयावह होती दिख रही है। 50 लोग पर डे मौत के आगोश में सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का डॉक्टरों का कहना ईशानी इसमें ये है, कल इस मंथन हुआ कार्यशाला थी, उस कार्यशाला में जाने का मौका मिला, तो डॉक्टरों का मानना ये है कि इसमें केवल और केवल जब भी कोई वायरस आता है वो वायरस अपनी कक्षा चेंज जरूर करता है। तो एक चेन बनी है। अब बहुत बेहतर वही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो जागरूकता अभियान थे उसी में अब आदमी को अपने जीवन को बचाने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। जी राजकुमार, एक और प्रयासों की बात की जा रही है। इसी के साथ अगर हम कार्यक्रमों के आयोजन पर नजर डालें तो बड़े पैमाने पर देश में कार्यक्रमों का आयोजन हर कोने में हो रहा है। इसके अलावा त्योहारी सीजन नजदीक है, चुनाव नजदीक है, तो क्या इन चीजों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि डर यही लोगों में बना है, एक बार फिर लॉकडाउन वापस ना लौटा, एक बार फिर सब फिर से बंद ना हो जाए, तो इन चीजों को लेकर लोगों में भी संशय का माहौल लगातार बन रहा है। राजकुमार, बिल्कुल देखिए, शिक्षा दर, साक्षरता दर जो है वो बहुत मायने रखती है। पढ़े लिखे लोग जो है वो इसको समझ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कई प्रदेश ऐसे हैं ईशानी कि जहाँ पे साक्षरता दर बेहद कम है। जहाँ जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पहले भी जिस समय कोरोना का प्रकोप था उस दौरान भी कोई बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिली चाहिए, लेकिन हालांकि बेहतर ये है कि मृत्यु दर कम है। तो कहीं ना कहीं जब चीजें होती हैं तो उसको लेकर लोग बाग अवेयर हों। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास ही कर रही है, जगह जगह पोस्टर, जगह जगह बैनर लगाए जा रहे हैं, जितने एनजीओज हैं उनके साथ संपर्क साधना शुरू हो गया है। जो जिलाधिकारी है वो अपने जिले के अंदर पूरे डिपार्टमेंटों को, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने एक निर्देश जारी कर दिए हैं, जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि भाई 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनिए। लेकिन धारा 144 लगा दी गई है कई जगह, लेकिन जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो आपका सवाल है वो बहुत वाजिब सवाल है, कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम आयोजक है उन्हें ये समझना होगा पॉलिटिकल चीजें, क्योंकि अभी फिलहाल चुनाव का माहौल है। जी बिल्कुल राजकुमार, चलिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।